महंगाई सटल आवाम लाए चंगी खबर। लाहौर हाई कोर्ट बिजली बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के गैर कानूनी करार दई छो। क्वार्टर टैरिफ में एडजस्टमेंट आई वाहिदारन जो मौक बुधन का सिवाय टैरिफ में तब्दीली भी गैर कानूनी करार। जस्टिस बाकिर नकवी 10 अक्टूबर 2022 में 3,669 दरख्वास्तों से फैसलो महफूज कल फैसलो बुधाईदे घरेलू सार्फिन के 500 यूनिट्स ताई सब्सिडी दियण की भी हिदायत करे छी। अदालत हिदायत कई तो हुकूमत बिजली की पैदावार लाए सोलर समेत बया मुतबादल जरिया इस्तेमाल करे। तुर्किया ए शाम में 7.8 की शिदत से आयल जिलजिले सबब हर पास तबाही ओतिन जो अंग 1800 का वधी वयो 7000 का जख्मी केतरी इमारतों मिट्टी के ढेर बन व्यू। तुर्किया में 1000 का शाम में 720 मानू पोचण की तस्दीक रही पल हजारे इमारत में अना भी केतरा ही मानू दबियल होने सबब जानी नुकसान में वाद जो खर्चो। कफरस यूनान उर्दन लुबनान ए फलस्तीन में भी जिलजिले जा लोडा महसूस किया व्या। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान खौफनाक जिलजिले बाद मुल्क में एमरजेंसी लागू कर छी। तैयब उर्दुगान जो चवण है इमदादी कार्रवाई जारी है। जिलजिले सबब पोतकिन जो अंग किथे पचंद फिलहाल कुछ चई न तो सकजे। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो तुर्क सदर तैयब अर्दुगान से फोन से राबतो जिलजिले सबब थियल जानी माली नुकसान से अफसोस जो इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ है आजमाइश इन घड़ी में पाकिस्तान तुर्किया से गड बीठल है। जलजिले की तबाही के मुंह डण लाए तुर्क हुकूमत से मुकम्मल सहकार कयो वेंदो। सदर आरिफ अलवी अगोणे सदर आसिफ अली जरदारी परदेही वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी तरफा भी तुर्किया शाम में जलजिले सबब थियल जानी माली नुकसान से अफसोस जो इजहार। इम्पोर्टेड हुकूमत आईन कानून जहा बखिया उड़े छा कुछ डीन में जेल भरियो तहरीक जो ऐलान कदस। जेल भरियो तहरीक से हकीकी आजादी ए हकीकी जमहूरियत हासिल कदी। पीटीआई सरबरा इमरान खान है समूरी कौम अदालतों ऐसी रही है 90 डीन में चूड न थी तो जिम्मेवार आर्टिकल छ लगन। मेरे पे तो कोई नहीं है ना हमारी जमात पे बल्कि अब दबाव उन पे है कि उन्होंने जेल भरियो तहरीक का ऐलान किया तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो जेलें भरे आके और बिस्मिल्ला जो है वो जमान पाक से होनी चाहिए। पहले जमान पाक में जो छुप के बैठे हुए और अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खवातीन को रखा हुआ है तो उनको हटाएं उनको कहें कि नहीं मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊंगा जेल भरने के लिए। तो मैं तो इंतजार में राणा साहब ने कहा है कि हम इंतजार में हम तो आंखें नजरें बिछा के बैठे हुए हैं कि आए तशरीफ लाएं आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है आपको भी पता चले कि कुर्बानी क्या होती है तो उसका आगाज जमान पाक से होना चाहिए। मैं मेरे पे कोई प्रेशर नहीं प्रेशर उनपे है जिन्होंने ये बात की अब उसको पूरा करें बड़ी मेहरबानी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो इमरान खान के जेल भरियो तहरीक जमान पाक में शुरू करने जो चैलेंज। मुल्तान में गलाइंदे मरियम नवाज जो तो असा इंतजार क्यों पा तो ही जेल भरियो तहरीक हलायन आई शुरुआत जमान पार्क का कन फ्रंटलाइन से औरतों के ढाल बनाए रखंदड़ पान गिरफ्तारी दई तहरीक की शुरुआत करे। राणा सन्ना उल्लास संदस इंतजार में है जैं भी गुनाह कयो उनके सजा मिली। नून लीग अखवाणन केतरा ही महीना जेल काटो पर उफ न कयो ही बी जेल में रही गोड़ा गाढ़े रहा। दहशतगर्दी के मसले से घुरायल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील एपीसी हाने 7 बदरा 9 फरवरी से इस्लामाबाद में थी। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब है एपीसी में मुल्क के कौमी तोड़े सियासी क्यादत के दावत दिनी वी दहशतगर्दी ए मुल्क के पेश चैलेंजिस से गडल हिकमत अमली जोड़ी वी। सिंध काबीना पुलिस में नवन भर्ती थियल अहलकार डोमिसाइल चेक करने की हिदायत कर छी। वे वजीर है पुलिस में नौकरियों रुगो मकामी मानून लाए आई जी सिंध डीसी जरिए नवन भर्ती थियल अहलकार डोमिसाइल चेक कराए काबीना पारा बोर्ड सबब बंद पियल 243 स्कीम्स से बीहर कम शुरू करण आई स्कीम्स लाए 22 अरब का रकम जारी करण की मंजूरी। वे वजीर मुराद अली शाह की सदारत में इजलास में रिपिड रिस्पॉन्स फोर्स जो दायरों समूरे सूबे ताई वधायण की भी मंजूरी। काबीना तुर्की आए जलजिले सबब थियल जार तबाही ए जानी नुकसान से अफसोस जो इजहार कदे तुर्किया हुकूमत के 1,00,000 टेंट दियण की भी मंजूरी दई छी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट शेख रशीद खिलाफ कराची ए बलोचिस्तान में दाखिल केसिस से कार्रवाई का रोके छोड़ बार काउंसल्स अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल के भी नोटिस जारी अदालत रिमार्क दिना जडे एक केस में गिरफ्तारी थी वे बेन केसेस में भी वी है समझ में नो अचे वो सिलसिलो किथे रुको शेख रशीद की जमानत वाली दरख्वास्त बुधनी सुबाने ताई मुलतवी अदालत कराची पुलिस के शेख रशीद का जेल में जांच की इजाजत दई छी राहदारी रिमांड की इस्तदा बो भेरो रद्द सिंध असेंबली जो इजलास दौरान डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी जीडीएमपी आरिफ मुस्तफा चतोई विच में सख्त जुमलन की डेवट गोशवारा जमा न कराण से इलेक्शन कमीशन पारा मुअतल कल एमपीए वाले मामले की भी गूंज आरिफ मुस्तफा जतोई चयो त जेके माहू मेंबर्स नाहन उहे असेंबली में छो वेठा आहिन उन्हन माण्हुनि खे नेकाली ॾियण ताईं ऐवान नथा हलाए सघूं डिप्टी स्पीकर जवाब ॾिनो त इलेक्शन कमीशन अञा मेंबर्स जी फहिरिस्त नाहे ॾिनी लिस्ट मिले त अव्हां खे ॾेखारबी इजलास दौरान तुर्की जे ज़लज़ले मुतासिरनि लाइ दुआ घुराई वई ऐवान में पिशावर धमाके जे शहीदनि ऐं अॻूणे सदर परवेज़ मुशरफ जी मफ़िरत लाइ बि दुआ कराई वई दुबई की अस्पताल में लाडानो करे वयल अगूणे सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशरफ जो मड़ डेह मुंतकिल करण लाइ एयरपोर्ट आंदो वियो जनाज़े नमाज़ सुभाणे कराची में मलीर कैंट जे पोलो ग्राउंड में अदा कई वेंदी परवेज मुशरफ गुज़िरियल ॾींहुं 79 वरनि जी ॼमार में दुबई जी निजी अस्पताल में इलाज दौरान लाडानो करे वियो हो हैदराबाद जी एहतसाब अदालत सखर हैदराबाद मोटरवे करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार जवाबदार आशिक कलेरी के जुडिशियल रिमांड से जेल उमाणे छो नेव की जांच ऑफिसर अदालत के बुधायो त जवाबदार वटा वधीक 12 करोड़ रुपया हथ करे वरता आहिन जवाबदार आशिक कलेरी वटा टोटल हथ आयल रकम 55.60 करोड़ रुपया आहे सखर में एसयूपी अगवाण हसीब जुने जो बेदर्दी से कतल संदस गभा गभा थे लाश साइट वाली एरिया में मिलो पुलिस मूजिब एसयूपी सखर डिवीजन के इतलात सेक्रेटरी के अणजातल जवाबदार तेज धार औजार से कतल करण बाद लाश बोरी में बंद कर फिटो कर छो एसयूपी ए जीडीए पारा हसीब जुने के बेरहमाने कतल की मजम्मत जलाल मेमू है हसीब जुने जो कतल दहशतगर्दी है सरदार रहीम हुकूमत नाकाम थी वही सिंध में सियासी कारकुनन जो कत्ल जारी है गोसपुर विच मुबैना मुकाबले में बिन गोठाणन के मारजण खिलाफ इंटस हाईवे ते हयल धरणो 8 कलाकन बाद खत्म मुबैना मुकाबले में हिस्सो वठंदड़ सतन अहलकारन की मौतली जो नोटिफिकेशन जारी थियण बाद धरणो खत्म कयो वियो मकतूल असद शेख ए मीर शेख के वारसन धरणो हणी इंटस हाईवे ब्लॉक कर छो हो कराची पुलिस नाहली की इंतहा कर छी बिन साल के मासूम बार के जाली फिंगरप्रिंट जरिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम कटने के इल्जाम हेठ रुपोश करार दई छो पीओ बिन वरह के मासूम बार के खी जमानत लाए अदालत पची वो बार के पीओ अदालत आडो दायो त पुलिस रिमांड रिपोर्ट में बिन वरह के बार के बेमफरूर जवाबदार जानो है बार के गिरफ्तार करण लाए छापा हया पे वन खैरपुर में मुख्तलिफ केसिस में घुरबल चईं धाड़ेलन गिरफ़्तारी ॾेई छॾी बदनाम धाड़ेल फैज़ मोहम्मद नारे जो रज़ा मोहम्मद सिराज ऐं अब्दुल लतीफ़ नारे जो गिरफ़्तारी पुलिस आॾो पेश थी गिरफ़्तारी ॾिनी पुलिस जो चवण आहे त जवाबदार कतल फुर धाड़न समेत केतिरनि ई केसनि में घुरबल हुआ जिन पाण मुरादो गिरफ़्तारी ॾिनी आहे नसरपुर मां नींगरी मुबैना तौर अॻुवा वाटसन जो चवण आहे त शादीअ में शिरकत लाइ ॻोठ बरकत आराए वियासीं जितां रोशनी मेघवाड़ खे अॻुवा कयो वियो पुलिस केस दाख़िल नथी करे सखर में नौजवान टिकटॉक ठाहींदे मुबैना तौर पिस्टल जो फायर थियण सबबि फोत बचल शाह मियाणी में नौजवान बाबर अंसारी पिस्टल की गोली लगण सबब हयाती विञाए वेठो
हरकतों सबब सदाई मीडिया की खबरों में रहंदड़ भारतीय अदाकारा मॉडल राखी सावंत पांजे बे मुड़स का भी अलीदगी की तस्दीक कर छी। राखी सावंत आदिल खान का अलीदगी की तस्दीक कदे संदस मुड़स जो तनु नाले कें भी छोकरी से अफेयर हले पो ते करे हुन रस्ता धार कर छ्या। कुछ महीना अगो राखी सावंत इस्लाम कबूल करण बाद आदिल खान से शादी कई हुई। राखी सावंत पांजिन हरकतों सबब सदाई मीडिया की खबरों की जीनत बनल रही है।